तो ऊपर वाले फ्लोर से ना अब्बू मारते मारते अम्मी को ना, हमें अम्मी प्रेग्नेंट थी, मैं पेट में थी, तो अम्मी को मारते मारते नीचे ले आए थे। अम्मी के दो दांत हलक के अंदर चले गए थे उस टाइम पे ना, और मेरी घर में ही डिलीवरी हुई। तो क्योंकि अम्मी डॉक्टर भी थी, हकीम भी थी, तो अम्मी ने ही मेरी अपनी जो मेरी पैदाइश की डिलीवरी है वो मेरी घर में अम्मी ने खुद की थी, बाद में डॉक्टर्स आए थे लेट। अम्मी और अब्बू वाला सवाल जो है, वैसे एक बार मेरा वो भी बड़ा वायरल चल रहा है, इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। प्लीज कर दो। बड़ी अजीब अजीब बकवास कर देते हैं लोग मैंने अपने ही चैनल के इंटरव्यू पे, क्योंकि मुझसे कभी किसी ने मेरे अब्बू के बारे में पूछा ही नहीं। ज्यादातर लोग माँ के बारे में डिस्कस कर रहे होते, बेटियों से रिलेटेड। इसीलिए अम्मी अब्बू दोनों का पूछ। तो मेरे जो वालिद साहब थे वो जिंदा है या नहीं है, ये एग्जैक्टली सच्ची बात है मुझे नहीं पता, इसलिए कि बाप वो होता है जो रोटी खिलाता है। तो हम तीन भाई बहन हैं, और हमसे जो पहले मेरी अम्मी की जो फर्स्ट मैरिज से जो बच्चे हैं वो पांच हैं। तो हम लोग टोटल आठ भाई बहन हैं। हम लोग को एग्जैक्टली इतना नहीं पता था कि जब जब मतलब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें पता चला कि अच्छा स्टेप ब्रदर सिस्टर्स भी कोई चीज़ होती है। मगर हम लोग ना इतने प्यार मोहब्बत से आपस में रहे कि हमें स्टेप की कोई कहानी नहीं पता थी। हमारी अम्मी ने हमें ऐसा रखा, ओके, तो हमें पता ही नहीं था मतलब। तो जो अब्बू हैं उन्होंने बचपन में ही, मैं बहुत छोटी सी थी तो वो चले गए और उन्हें मैं पाला नहीं, जबकि अम्मी हमें उनको ड्रॉप करती थी, हमें उनके पास उनके घर भेजा करती थी, दादा दादी के पास छोड़ती थी। और अब्बू थोड़े से लाओबाली से थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाना चाहते थे, खर्चा नहीं उठाना चाहते थे, स्कूल की फ़ीस वगैरह पे नहीं कर सकते थे होते थे। उनके फ्रेंड्स बहुत थे, फ्रेंड सर्कल्स में बहुत ज़्यादा थे, तो वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग गए थे। तो ना तो मुझे याद है कि कभी उन्होंने मुझे स्कूल से पिक किया, ड्रॉप किया, स्कूल की फीस दी। ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे मतलब पता है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, बट फिर जो पहले अम्मी की आपके अबू से शादी हुई थी या उससे पहले हुई थी किसी? नहीं, जो मेरे बड़े भाई बहन है वो उनसे काफी एज में, काफी ज्यादा बड़े बड़े, मतलब हमारे अब अम्मी अबू की जगह है वो। तो उनके तो वालिद साहब बहुत अच्छे थे, मैं उन्हीं के नाम से ज्यादातर अपने आप को रिलेट करती हूँ। तो मैं उनको अपने बड़े अबू की तरह मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं का दिया आज भी हम लोग, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी हम वही खा रहे थे ना एक्चुअली। तो अच्छा, उन्हीं का दिया था, घर, गाड़ी, चीज़ें, फैक्ट्री, अम्मी की लेदर गारमेंट की फैक्ट्री थी, वो सब तो बड़े अबू की दी हुई थी ना। हाँ। तो जो मेरे अबू थे उन्होंने बस पैसों की लालच में, शायद होता है ना कि औरत है, सिंगल मदर है, पैसे बहुत है, तो फिर इस तरह से शायद शादी की थी। तो जिसकी वजह से उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता था, वो ये कहते थे कि प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, पैसे दे दो, पैसे दे दो। वो आते थे, पैसे वैसे लेके चले जाते होते थे। तो मुझे यही याद है कि अम्मी रो रही होती थी तो पिटाइयाँ शिटाइयाँ भी हो रही होती थी अम्मी की, और हमने वो सारे दुख दर्द तकलीफें देखी है। जब अम्मी के साथ ऐसा होता था, फिर ये सवाल मैं आपको, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं पूछ रही, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस किस्म की मैरिजेज में रहते हैं जहाँ पे उनको मार पिट रही होती है, गालियाँ बच्चों के सामने, बच्चों पे क्या असर होता है इस बात के बारे में अक्सर लोग नहीं सोचते। एक छोटी सी बच्ची जब इस किस्म का बिहेवियर देखती है, अम्मी को रोते हुए देख रही है, अब्बू का ये, आप पे क्या गुजरती थी फिजा? अच्छा, मैंने सिर्फ अपनी माँ को क्योंकि रोता हुआ देखा, और उससे पहले ना, क्योंकि जब मैं अम्मी के पेट में थी तो मेरे भाई बहन ये बताते हैं कि ऊपर की, हम लोग लियारी की पैदावार हैं, किसी को नहीं पता मैं लियारी की प्योर पैदावार हूँ, मैं लियारी वाली हूँ। तो ऊपर वाले फ्लोर से ना अब्बू मारते मारते अम्मी को ना, हमें अम्मी प्रेग्नेंट थी, मैं पेट में थी, तो अम्मी को मारते मारते नीचे ले आए थे। अम्मी के दो दांत हलक के अंदर चले गए थे उस टाइम पे ना, और मेरी घर में ही डिलीवरी हुई। तो क्योंकि अम्मी डॉक्टर भी थी, हकीम भी थी, तो अम्मी ने ही मेरी अपनी जो मेरी पैदाइश की डिलीवरी है वो मेरी घर में अम्मी ने खुद की थी, बाद में डॉक्टर्स आए थे लेट। तो वहाँ पर हमारे सारे मकरानी होते थे, बलोची होते थे, लियारी में ज़्यादातर वो लोग होते, तो वो औरतें वगैरह बहुत अच्छी होती थी, वो उन्होंने ला के फिर डॉक्टर्स वगैरह से अम्मी को ट्रीटमेंट करवाई, बिकॉज अम्मी की पूरी जो हालत थी वो खूनम खून थी, सीढ़ियों से मारते हुए लाई थे अब्बू। तो वो मुझे सारी सिचुएशंस का पता था, मगर बाप की जो एक उन्स और वो जो प्यार होता है ना, जब मैं बड़ी हुई थोड़ी सी, तो वो चाह मेरे अंदर नहीं थी कि मुझे बाप का प्यार चाहिए। इनफैक्ट मेरी कोई दोस्तें अगर बताती होती थी कि अब्बू पिक करने आ रहे हैं स्कूल से, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं उसको अपनी दोस्त ही नहीं बनाती थी जो अपनी बाप की तारीफ कर दे, इतना ज़्यादा रही। तो जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला, बड़ी हुई और अम्मी का इंतकाल भी हो चुका था, उसके बाद मुझे थोड़ी सी समझ आई कि नहीं यार, बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है, बेटियों के लिए बाप बहुत ज़रूरी होता है, और अगर बाप सर पे हो तो फिर बेटियों को ये बाहर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही लड़कियाँ काम करती हैं ना जिनके बाप ऐसे होते हैं, जिनके शौहर ऐसे होते हैं।